जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारा कंटेंट ओटीटी पर रिलीज होने जा रहा है और हर हफ्ते की तरह मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूँ, जहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा कि इस हफ्ते आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या देखने को मिलेगा। तो इस सबकी डिटेल के लिए वीडियो को पूरा सुन लेना और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। और ये मेरा इस वीक की रिलीजेस का पार्ट वन वीडियो है, क्योंकि अभी कुछ और अनाउंसमेंट्स भी होंगी, वो आने वाले वीडियोज़ में कवर कर लूँगा, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ ये कवर कर लेते हैं जो जो अनाउंसमेंट हमारे पास आ चुके हैं। आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू और सबसे पहले बात कर लेते हैं अब तक की हो चुकी कुछ रिलीजेस की जो इस हफ्ते हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हना ये एक जर्मन ब्रिटिश अमेरिकन एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे अब कल से रिलीज़ कर दिया गया है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। वहीं वी फॉर वेंजेंस ये एक अमेरिकन एक्शन हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कल से रिलीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक नई बंगाली सीरीज जिसका नाम है पिल कुंज, इसे क्लिक ट्वीट के प्लेटफॉर्म पे 2 दिन पहले रिलीज़ कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, बड़ा रिलीज़ हो चुका है बारबी मूवी का, जो कि आईट्यून्स पे अब रेंटल में इंग्लिश में अवेलेबल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 5 तारीख को रिलीज़ होने जा रही है, लेकिन पहले ही लीक हो गई, इसलिए ऑलरेडी अब रिलीज़ कर दिया गया है। इसे रेंटल पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, फिलहाल इसे हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर 2 एडल्ट ड्रामा रिलीज़ हुए हैं, एक का नाम है द 50 शेड्स डार्कर और दूसरा है 50 शेड्स फ्रीड, और दोनों ही ये मूवीज़ दोस्तों अब हिंदी में आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी, और ये एक एडल्ट ड्रामा मूवी है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आने वाले कुछ दिनों में 6 तारीख को आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्रीडेटर्स, जो कि नेटफ्लिक्स की एक नई सीरीज है, कहानी बताएगी आपको जंगलों में कैसे शेर शिकार करते हैं, और प्रीडेटर सीरीज को दोस्तों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे 6 तारीख से रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इंफैमी ये एक पॉलिश रोमांटिक थ्रिलर सीरीज है, जो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे 6 सितंबर से रिलीज़ होगी। वहीं लकी गाय, जो कि एक फ्रेंडशिप कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है, इसे दोस्तों अमेज़ॉन मिनी टीवी के प्लेटफॉर्म पे 6 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन बड़ा रिलीज़ होने जा रहा है दोस्तों डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे द लिटिल मरमेड मूवी का, जो कि फ़िलहाल तक VOD में अवेलेबल थी, लेकिन अब डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज़ होने जा रही है। और द लिटिल मरमेड एक एनिमेटेड मूवी है, एक एनिमेटेड ड्रामा है, जिसको काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। इसके साथ साथ दोस्तों, 6 तारीख के बाद बात करें अब 7 सितंबर की, तो बड़ा रिलीज़ होगा पहले जेलर मूवी का। जेलर मूवी को दोस्तों हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ा सभी लैंग्वेजेस में एक साथ अमेज़ॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दिया जाएगा दोस्तों। और भले ही डेट इसकी 7 सितंबर है, लेकिन 6 सितंबर की रात 12 बजे से ही आपको अमेज़ॉन प्राइम के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों जेलर मूवी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट, इस मूवी को दोस्तों रिलीज़ किया जाएगा नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे 7 सितंबर को। और दोस्तों, इसका जो है ये आई थिंक सीज़न 3 है, पता नहीं फिल्म 3 है, क्योंकि मैं इस मूवी को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन ये पता है कि ये 3rd पार्ट इसका रिलीज़ होने जा रहा है। इसके साथ दोस्तों, टॉप बॉय का सीज़न 3 आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में 7 सितंबर से देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स पे। वहीं डियर चाइल्ड ये एक नई सीरीज़ है, जिसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे 7 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ हड्डी मूवी, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक रिवेंज ड्रामा मूवी है, हड्डी मूवी को दोस्तों Z5 के प्लेटफॉर्म पे 7 सितंबर को रिलीज़ किया जाएगा। और इसी के साथ BA भित्रत, इसे मूवी दोस्तों मूवी को Z5 के प्लेटफॉर्म पे हिंदी और बंगाली 2 लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाएगा 7 सितंबर से। और इसी के साथ मिस्टर कोलकाता, ये एक बंगाली TV शो है, जिसे हॉय चॉय के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों 7 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन बड़ा रिलीज़ होगा 7 सितंबर का दोस्तों कैरी ऑन जट्टा 3 मूवी, जो कि एक पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी है, इसे रिलीज़ किया जाएगा चौपाल TV के प्लेटफॉर्म पे 7 सितंबर से। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग बहुत ही अच्छी है, और अगर आप पंजाबी मूवीज़ के फ़ैन हैं तो आप इसे डेफिनेटली एंजॉय करेंगे, इसमें आपको काफ़ी सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब कुछ सिनेमा रिलीज़ जो 7 सितंबर को होंगे, जिसमें एक ही बड़ा रिलीज़ है दोस्तों, जवान मूवी का, जो कि एक इंडियन एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, और कहानी एक इमोशनल जर्नी आपको दिखाएगी बाप और बेटे की, जो दुनिया में कुछ सोसाइटी में कुछ जो गलत चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, सानिया मल्होत्रा और प्रियामणि, ये सभी आपको जवान मूवी में देखने को मिलेंगे, जो 7 सितंबर से सिनेमाज में रिलीज़ हो जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब 8 सितंबर की तरफ, तो सिटिंग इन द बार्स विद अ केक,
ये एक नई मूवी है जिसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में Amazon प्राइम के प्लेटफॉर्म पे 8 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा और ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। और इसी के साथ लोकी छेल ये एक बंगाली मूवी है जिसे सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों 8 सितंबर से। और अच्छी बात यह है कि इसे हिंदी डब लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया जाएगा। और इसके साथ दोस्तों एक बड़ा रिलीज़ होगा द ब्लैक डेमन मूवी का, जो कि एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवर मूवी है। इसे दोस्तों लायंस गेट प्ले के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश लैंग्वेज में 8 सितंबर से रिलीज़ कर दिया जाएगा। और न्यूज़ निकल के आ रही है कि शायद इसे हिंदी में भी रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन इंग्लिश में ब्लैक डेमन कन्फर्म हो चुकी है लायंस गेट प्ले के प्लेटफॉर्म पे, और 8 सितंबर से इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ द चैंगलिंग ये एक इंग्लिश टीवी शो है जिसे एप्पल टीवी के प्लेटफॉर्म पे 8 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। और दोस्तों अ टाइम कॉल्ड यू इस सीरीज़ को हिंदी इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे 8 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ द नन 2 ये मूवी जो कि एक हॉरर मूवी है, इसे हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगू में सिनेमाज में 8 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। और बर्निंग बॉडी ये एक नई सीरीज़ है जिसे हिंदी इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे 8 सितंबर से रिलीज़ किया जाएगा। और आई एम ग्रूट का सीज़न 2 भी दोस्तों डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे आपको हिंदी में इसी हफ्ते 7 सितंबर को देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो वो कंटेंट है जो कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा न्यूज़ निकल के आ रही है कि शायद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आपको रेंटल बेसिस पे इस हफ्ते से देखने को मिल सकती है, यानी 7 सितंबर को रिलीज़ हो सकती है। दो डेट निकल के आ रही हैं, 7 सितंबर या फिर 14 सितंबर। तो दोस्तों इस हफ्ते आएगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने कौन सा रेंटल पे देखना, आप तो कुछ जुगाड़ लगा ही लोगे, लेकिन रेंटल पे इसकी न्यूज़ आ रही है कि इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वो कंटेंट है जो अब तक कंफर्म हो चुका है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। लेकिन ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वीडियो का सिर्फ पार्ट वन है, क्योंकि अभी वीक में 4 दिन बाकी हैं और अनाउंसमेंट्स होनी बाकी हैं और कुछ सरप्राइज़ रिलीज़ होने वाली बाकी हैं। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके दोस्तों वापस आऊँगा जब थर्सडे फ्राइडे में आपको नया वीडियो बना कर दूँगा, जहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस हफ्ते क्या कुछ रिलीज़ हुआ है, क्या सरप्राइज़ रिलीज़ हुआ है और कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ आने वाला है। दोस्तों इसके अलावा मूवी आजकल वीडियोस थोड़े से कम बना रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, कल तक पहुँच जाऊँगा अपने बेस, तो वहाँ से दोस्तों आपको थोड़े वीडियोस भी ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे जवान को भी थोड़ा सा कवर करना शुरू कर दूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक क्विक अपडेट इस वीडियो में, जहां इस हफ्ते की रिलीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर सब्सक्राइब रहना, और इसके साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पे भाइयों मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां से आप मुझसे चैट भी कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, और वहां मैं आपको और भी नई नई अपडेट्स प्रोवाइड कर सकता हूं। तो दोस्तों ये था एक क्विक वीडियो। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।